हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तापमान जो है वो किस प्रकार प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है, क्या उसका प्रभाव प्लांट्स पर पड़ता है, वो हम आज देखेंगे। तो तापमान जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तापमान जो है अपने पृथ्वी पर सूर्य से जो है वो उत्पन्न होता है। अब ये जो इसका हम नापते हैं वो हम या तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं। तो इसका जो यूनिट है हम कह सकते हैं कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है। और तापमान हमेशा जब गर्मी जब होती है तो ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम हो जाता है। और जो ये वर्षा ऋतु है उसमें ये ह्यूमिडिटी जो है वो आर्द्रता उससे भी प्रभावित रहता है। तो हम ये देखेंगे कि पादप पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पादप जो हैं उस पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि ये जो मेटाबॉलिज्म है वो परिवर्तित होता है, उसका व्यवहार या हैबिट जो है वो उस पर इफ़ेक्ट डालता है, रिप्रोडक्शन प्रजनन पे इफ़ेक्ट डालता है, और भ्रूण के विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है उस पर भी प्रभाव डालता है। यही नहीं, वृद्धि जो है, वृद्धि केवल जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, फ्लोरल ग्रोथ है, दोनों पे टेम्परेचर जो है वो प्रभाव डालता है। तो हम एक एक करके इसको लेंगे। पहला जो है, जैसे एंजाइम, ये जो क्रिया है मेटाबॉलिज्म की, ये एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं। हर एक पादप का अपना स्वभाव होता है, उसके अनुरूप ही वो फिजियोलॉजिकल अपनी क्रियाएं करता है। जैसे कि अगर हम देखें कि ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है और कम टेम्परेचर पे कम वाष्पोत्सर्जन होता है। इसी प्रकार अवशोषण या एब्जॉर्प्शन जो है वो भी मैक्सिमम 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल माना जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो पानी जो है वो कम तापमान पे तो विस्कस हो जाता है, वो ज़्यादा विस्कस हो जाता है, और जबकि जो अगर तापमान बढ़ जाता है तो वो अत्यधिक तरल हो जाता है और वो भी प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रकाश संश्लेषण की हम बात देखें, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी सामान्यतः 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आइडियल माना जाता है, सबसे उच्चत तापमान प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए माना जाता है 10 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज़्यादा होता है तो कम हो जाता है और माइनस या ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पत्तियां ही अधिकतर पौधों की जड़ जाती हैं। और ये कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। इसी प्रकार श्वसन रेस्पिरेशन जो है वो भी 0 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सबसे अधिक सक्रिय रहता है। और अगर हम इसका मूवमेंट देखें, गति व्यवहार में मूवमेंट आता है, गति जो प्लांट्स में होती है, छोटे जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में देखी जाती है या कुछ प्लांट्स के मूवमेंट्स में देखी जाती है, जैसे ट्यूलिप में, क्रोकस में। तो इसमें हम पाएंगे जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है वो तापमान के प्रभाव से जो फ्लैजिला हैं वो जो है वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और ज़्यादा गति करते हैं। जबकि ट्यूलिप जो है और क्रोकस में अगर उपयुक्त तापक्रम रहता है तो कोरोला जो है वो खुलना व बंद करने
जो है उनकी प्रक्रिया वो सामान्य रहती है, वरना ये ज़्यादातर जो है वो कम हो जाती है। अब मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वो भी जो एब्जॉर्प्शन की सबसे सामान्य तापमान जिसमें ये नॉर्मल रहता है वो 20 से 30 डिग्री होता है, तो उस पे ही मिनरल्स भी अधिकतर होते हैं। यदि हम ग्रोथ वृद्धि पर देखें तो वृद्धि जो है वो इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि अगर वाष्प सर्दियों में कम तापमान होता है तो अवशोषण की दर जो है वो भी कम होती है और वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता जो है वो भी तीव्रता कम होती है, तो ऊतक जो है वो क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा बर्फ़ में भी चिलिंग से पौधों को नुकसान होता है, और यदि ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो भी जैसे प्लांट्स जो हैं वो जल जाते हैं और जलने से उनकी पत्तियां जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप करने के लिए जैसे वृद्धि हम देखते हैं, तो ये इन प्रभावों से बचने के लिए प्लांट जो हैं वो अपने को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी कि अडेप्ट कर लेते हैं। ज़्यादा कम टेम्परेचर में रहने के लिए कुछ प्लांट्स जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, तो उनको हम जो है वो ये कहते हैं कि ये ठंडे प्रदेशों में एल्पाइन रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो गर्मी, कम आर्द्रता, पानी की कमी ये सब टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनको हम मरुस्थलीय या ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने को अपने वातावरण के अनुसार। पर सामान्यतः जैसे अगर एकदम से तापमान कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो इफ़ेक्ट डालता है। इसमें हम वाटर बॉडी को भी ले सकते हैं, जैसे वाटर बॉडी अगर कोई बोल लें तो जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, हम देखते हैं ये, तो इस चित्र में दिख रहा है जैसे के तीन जोन्स में हम वाटर बॉडी को बांट सकते हैं, एपीलिमनियन, थर्मोक्लाइन और हाइपोलिमनियन। अब जो तीव्र किरणें हैं सूर्य की वो ऊपर की सतह पर पड़ती हैं, जिसको हम एपीलिमनियन कहते हैं, तो एपीलिमनियन में सबसे तेज तापमान उत्पन्न होता है और वो फिर करेंट्स जो हैं वो नीचे जाते हैं और नीचे के तापमान को भी जो ये नीचे ऊपर ये हीट हुआ और हीट से फिर ये नीचे गया और फिर ये ऊपर आ जाता है, तो इस प्रकार ये चलता रहता है। अब ये इससे क्या प्रभाव होता है कि एपीलिमनियन स्तर यह स्तर जलाशय की ऊपरी सतह में होता है ना, और लगातार उष्ण जल का जो है वो यहाँ पे रहता है, तो गर्म जल तलहटी में शीतल जल से मिश्रित नहीं होता ऊपर वाला, जबकि जो बीच वाला जो है या थर्मोक्लाइन जिसे हम कहते हैं बीच वाला, ये झील में जल की यह परत ऊपरी स्तर एवं तलहटी या आधारीय स्तर के बीच में होती है, ये ट्रांजिशनल जोन कहा जाता है। हाइपोलिमनियन नीचे का होता है, यह झील की सबसे नीचे वाली आधारी परत होती है और यहाँ शीतल जल होता है, अतः इस स्तर में जल का तापक्रम अत्यंत निम्न एवं यहाँ का जल जो है वो पौधों या जीवों के लिए अनुकूल रहता है, और ये
आपको पता ही है कि जो पानी जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो चाहे ऊपर की सतह जो है वो पानी जम जाता है, यहाँ पे अगर बर्फ़ जम जाती है, तभी भी जो नीचे का ये जो होता है यहाँ पे ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहता है। तो इससे जीवन जो है वो चलता रहता है और प्लांट्स और जो जीव जंतु हैं वो जीवित रह पाते हैं। तो ये कुछ हैं जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। अब हम लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमने सारे प्रभाव पादपों पे हमने देखा। अब हम लेते हैं इसके ये वाला रॉन्कियस का वर्गीकरण। रॉन्कियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इसको अलग अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर तापक्रम के आधार पर जो है वनस्पति जो है उनका प्रकार उन्होंने करा। तो 4 श्रेणी में उन्होंने इनको पादपों को रखा। उच्चतापी या मेगाथर्म्स, ये जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो ये मेगाथर्म्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं और पूरे वर्ष भर उच्च तापक्रम पे ये रहते हैं। और वनस्पति जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा ये है मध्यतापी मीजोथर्म्स, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु में ये तापमान जो है ये रहता है। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। न्यूनतापी या माइक्रोथर्म्स वो पौधे हैं जो कि ठंडे प्रदेश में रहते हैं और इसमें ज़्यादातर 0 या -0 में भी कई बार चला जाता है इसका टेम्परेचर। और ये इसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर मिश्रित शंकुधारी, जिन्हें हम कॉनिफ्रस ट्रीज़ कहते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। और एल्पाइन रीजन्स में ये पाया जाता है जिसको कहते हैं हेकिस्टोथर्म्स। तो हेकिस्टोथर्म्स या अति न्यूनतापी ये एल्पाइन रीजन्स में पाए जाने वाले पौधे हैं जो 16,000 फीट पर पाए जाते हैं और ये माइनस में इनका यहाँ टेम्परेचर पहुँचता है। और इसमें एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है जिसमें कुछ जिम्नोस्पर्म्स, लाइकेंस इत्यादि ही मिलते हैं। तो ये हुआ, तो हमने ये देखा। उसके बाद हम ये देखें कि इस चित्र में जैसे कि दिखाई दे रहा है कि जो अपनी लैटिट्यूड है और एल्टीट्यूड उसके हिसाब से किस प्रकार ये वेजिटेशन जो है वो चेंज होता है। अब जैसे ट्रॉपिकल ये है इक्वेटर रीजन, ये इक्वेटर रीजन है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल और एवर ग्रीन ट्रीज़ होते हैं। अगर पानी की कमी है तो डेजर्ट भी पाया जाता है। फिर थोड़ा सा और कम तापमान जहाँ होता है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे, तो वहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर और ऊपर जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन जो जहाँ होते हैं तो वो है कॉनिफरस। और आर्कटिक या एंटार्कटिक में ये
लाइकन्स, मॉस और ये इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। इसी तरह प्रकार एल्टीट्यूड में अगर हम देखें तो इसमें भी इसी प्रकार का जो है वो वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखें कि ये जो चित्र है ये हमें दिखाता है कि हिमालय पे किस प्रकार जो है वेजिटेशन जो है वो चेंज हो रहा है। नीचे जो है वो मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं नीचे की तलहटी पे, जहाँ पे यहाँ तक है ना, यहाँ पे बैम्बू और शीशम, शोरिया रोबस्टा, ब्यूटिया है ना, ढाक और सावन, ये इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे ब्रॉड लीव ट्रीज ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे क्वर्कस और वॉलनट या मैपल, रोडोडेंड्रॉन, ये इस एरिया तक मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉनिफर्स जैसे एल्बिस, स्पाइसिया, सीड्रस, पाइनस, फिर इसके ऊपर जो है वो और भी जैसे जूनिपर्स ये पाए जाते हैं, और बिल्कुल 15,000 और उसके ऊपर तो जैसे हर्ब्स, लाइकन, मॉसेस ये ही पाए जाते हैं, उसके अलावा और कोई बड़े जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो ऊपर नहीं पाए जाते। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार जो है वो प्लांट्स टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। अब इसमें एक और प्रोसेस है जो कि हम देखेंगे कि तापमान की वजह से जो उत्पन्न होता है वो है जिसको कहते हैं ताप अवधि या फोटो या थर्मो पीरियोडिसिटी है ना। थर्मो पीरियोडिसिटी जो है वो फिनोमेना है जिसमें तापमान जो है वो समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे इसमें तापमान परिवर्तन कैसे होता है, या तो दैनिक भी होता है, भाई सवेरे का तापमान अलग होता है और रात का अलग होता है, मौसमी होता है, सीजनल, जैसे ठंडा जब मौसम होता है तो ठंडा मतलब कम टेम्परेचर होता है, जब गर्मी होती है तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और दूसरा ये बसंतीकरण होता है वर्नलाइजेशन जो है वो सबसे पहले टीडी लाइसिंग को 1928 में इन्होंने रिपोर्ट किया था। और इसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनको कि 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम चाहिए, तभी उनमें जो है वो पुष्पन होता है, या जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग के लिए कम टेम्परेचर जो है जब तक उनको नहीं रखा जाता है, तो इसका अर्थ है कि जो ठंड में जैसे ही 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये पौधे जो हैं वो सेंस कर लेते हैं और उनमें नई कलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये अत्यंत आवश्यक उन पौधों के लिए होता है जो सर्दियों में फ्लावर करते हैं। और अबसंतीकरण या डीवर्नलाइजेशन जिसके से कहते हैं, ये डीवर्नलाइजेशन जो है वो क्रिया है जिससे कि जो भी वर्नलाइज प्लांट्स हैं उनको यदि हम 35 डिग्री या उससे अधिक पे रखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उनमें जर्मिनेशन या पुष्पन की क्रिया नहीं होती। तो ये है। अब वसंतीकरण जो है उसका महत्व क्या है यदि हम देखें तो आर्थिक महत्व जो है वो बीजों को शुष्क अवस्था में लंबे समय तक स्टोर करने के लिए रखा जा सकता है। तो और
ये शुष्क अवस्था में लंबे समय तक स्टोर इसलिए करते हैं बसंतीकरण से, क्योंकि इसमें फिर कोई एक्टिविटी नहीं होती उन बीजों में। और इसके अलावा बसंतीकरण जो है वो अगर आपको सीज़न के अलावा कोई फ्रूट या फ्लावर चाहिए तो उसके लिए भी किया जाता है। तो आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट करके प्लांट्स को जर्मिनेट या फ्लावर किया जाता है, तो ये इसका महत्व है। तो नेक्स्ट हम लेंगे सॉयल। तो धन्यवाद।